मध्य प्रदेश सरकार गत दिनों किए गए शिक्षकों के तबादलों को लेकर जिले के स्कूली छात्रों में काफी नाराजगी और सरकार के प्रति आक्रोश नजर आया है। इसी आक्रोश के चलते शनिवार को जिले के ग्राम कोठड़ी स्तंभ मुरार स्थित शासकीय स्कूल के छात्रों ने स्कूल के गेट पर तालाबंदी कर नीमजीरन रोड पर चक्का जाम किया है। जी हाँ, दरअसल यहाँ सभी छात्र छात्राएं जिस शासकीय स्कूल के ही उसी स्कूल के एक शिक्षक का नाम भी प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई तबादला सूची में है। साथ ही छात्र छात्राओं ने मीडिया को जानकारी देते हुए यह भी बताया कि शिक्षक का तबादला जबरन कराया गया है। इसमें कई दिग्गज राजनेता भी शामिल है। छात्र छात्राओं द्वारा घंटों चक्का जाम करने और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने के मामले की जानकारी पर प्रशासनिक अधिकारी और संबंधित थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद छात्र छात्राओं को समझाइश दी गई। हमारे हरिशंकर चौहान सर ने जो हमको हिंदी पढ़ाते और वो बहुत ही अच्छे सर, उनकी जैसे हिंदी कोई भी नहीं पढ़ा सकता और हम इस ट्रांसफर को रोकना चाहते हैं। हाँ, बस एक शिक्षक के लिए यहाँ पर आंदोलन के लिए बैठे। ये पूरा राजनीतिक मामला है, सरकार ट्रांसफर जबरदस्ती कराया गया है, इसमें कई नेताओं का भी हाथ। हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं तो हमारे स्कूल के टीचर हमें धमका रहे हैं कि तुम्हें इसे पकड़ा दी जाए। हम किसी भी बकवा में नहीं आएंगे, जब तक सरकार ट्रांसफर कैंसिल नहीं हो जाता हम नहीं आंदोलन करेंगे। चाहे सोमवार से हमारी परीक्षा है, चाहे हमारी परीक्षा कैंसिल भी ना हो, पूरी राजनीतिक प्रक्रिया से हुआ है। आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारे स्कूल में हर में ट्रांसफर हो रहे हैं सर, हमारी पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है, इसी कारण हमने ये हंगामा किया है। कल हमें कलेक्टर में भी कहे थे, कलेक्टर ने हमारी बात सुनी नहीं, सुनी नहीं। समर्थन ये कर रहे हैं कि एंड टाइम पे वो हरिशंकर चौहान का ट्रांसफर हुआ, बच्चों का भविष्य भी कर रहा है। सोमवार से इनकी परीक्षा चालू है, 9th 10th इनकी परीक्षा चालू है। उन्हें क्या और मास्टरियाँ आई नहीं, उसके बाद किसी पार्टी कुर्ती से अगर ट्रांसफर कर तो सूचना करना था कि इस तरह की बात है। अनुशासन द्वारा मास्टर है ये चौहान साहब, तो इन बच्चों का और सबका यही कहना गाँव वाला का कि इस ट्रांसफर रोका जाए। देखिए, मेरे विद्यालय के टीचर का ट्रांसफर हुआ है, हिंदी के टीचर हरिशंकर जी चौहान सर, ये प्रशासनिक क्रियाएँ हैं, ट्रांसफर हुआ है उसके लिए कैंसिल कराने के लिए स्वयं प्रयास रहते हैं। हमें विद्यालय में ऐसे कोई दिक्कत है, हमारे विद्यालय चाहता है कि वो यहीं बने रहें। बच्चों को सब तरह से समझाया जा रहा है कि उनका शाम तक बिल्कुल कैंसिल होने की पूरी उम्मीद है। कुछ थोड़ा सा ताला लगाया था, बच्चों का यह था कि हमें विरोध करना है, तो मैंने कहा बच्चे ज्ञापन दिया, आगे बात पूछा था। मेरा यमुना प्राचार्य। वॉइस ऑफ एमपी के लिए हरिओम माली की रिपोर्ट।